हेडिंग डालना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हेडिंग डालो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का नाम लिखेंगे। फर्स्ट 20, सबसे पहला एलिमेंट का नाम कौन है? सब लोग का आंसर आना चाहिए, आप लोग ने हाइड्रोजन लिखा है ना। हाइड्रोजन चलो, सबसे पहला एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन बाकी लोग रेक्सीना, पूजिता, सॉरी सूर्य, हाइड्रोजन बोलते रहो। हाँ, फिर इसका सेकंड कौन है? हीलियम हीलियम हीलियम। थर्ड कौन है? लिथियम। इसके आगे बेरिलियम बेरिलियम। आगे बोरॉन, फिर कार्बन कार्बन, फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन फ्लोरीन, आगे नियॉन नियॉन, इसके आगे सोडियम सोडियम सोडियम, सोडियम के आगे मैग्नीशियम, आगे एल्यूमिनियम, उसके आगे अभी लिखना है, सही ये लिखना है अभी, बता रहा क्या लिखना करके। अब है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे करोगे? सबसे फर्स्ट शेल में आप मैक्सिमम कितना भर सकते हो? 2 भर सकते हो। सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, और जो लास्ट दो है 6th और 7, इससे आप मैक्सिमम कितना भर सकते हो? 32 भर सकते हो। ओके, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 1 आएगा। फर्स्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, इसके इसका क्या आएगा? 2। इसका कैसे आएगा? 8। कैसे 8? हेलो, थ्री आएगा। खुद का दिमाग लगाओ, पहले शेल में कितना भरेगा? 3। पहले में मैक्सिमम कितना भर सकते हैं? 2। बचा कितना? कितना और इलेक्ट्रॉन बचा? अरे 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। फिर कैसे आएगा बता इसका? 8 आएगा सर। 8 कैसे? 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो 8 दोगे क्या? मतलब आपको बोला है दुकान में 5 रुपया का लेस देने, आप उसको 10 रुपया देके आ जाओगे क्या? ना लॉजिक लगाओ ना, 4 दिया तो पहले में कितना आएगा? सर 2। 2 और दूसरे में कितना आएगा? 2। पहले में सर 2, फिर 3, इसमें ऑक्सीजन का 2 and 7 2 and 8 कैसे रेक्सीना? 10 दिया है क्या आपको? हाँ, इधर क्या आएगा? 2 and 8। फिर यहाँ पे 2 and 9 कैसे आएगा? 9 आ सकता है? देखो क्या लिखा, 9 लिखा है क्या? नो सर। हाँ तो 8 आएगा। कितना बचा? 1 1 6। नेक्स्ट क्या आएगा?
2, 8, 2. फिर 2, 8, 3. ये सानवे आंसर मत दो. हाँ फिर 2, 8, 4. हाँ चलो वैसे ही आगे का. सिलिकॉन के बाद नेक्स्ट कौन है? एल्युमिनियम. फास्फोरस. फास्फोरस. फास्फोरस के बाद सल्फर. सल्फर के बाद क्लोरीन. 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 CH. और आर्गन. आर्गन. फिर आगे पोटेशियम. पोटेशियम. एंड इसके बाद कैल्शियम. आर्गन इज 18, ये 90 और ये 20. ये सब 1, 2, 3, 4 अप टिल 20, ये सब क्या है? कैसे टाइप का नंबर है? एटॉमिक नंबर. चलो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा लिखना क्या रहेगा. सर सारे लिखने के ना 20 तक. हाँ 20. फास्फोरस का क्या रहेगा? सर 285. यार आंसर मत देना, सानवी आंसर मत दो. हाँ बोलो फिर 286. फिर 287. आगे 288. फिर 3. नो 289. नाइन नाइन बच सकते हम लोग. क्या आएगा लास्ट सेल में कितना? यार आंसर मत देना. हाँ क्या आएगा? हेलो सूर्य क्या आएगा? 2881. 8 और इसके आगे 1. फिर कैल्शियम का 2882. ये इसको आप क्या बोलते हो? ये जो नंबरिंग आपने लिखा है इसको आप बोलते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हो. याद तक क्लियर? चलो तो आप इसका एक भरो. क्या था 79 का ट्राई करो. 79 इज गोल्ड. ठीक है ये ट्राई करो क्या रहेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. क्या रहेगा इसका? सर 2, 8, 8, 18, 18, 25. 8, 8. This is how much? ये टोटल किया तो 18 होएगा. फिर और एक एक 18 ऐड करो. सर 36. 36. 2, 8, 8, 18, 36 हो गया.
फिर और एक 18 ऐड करोगे तो 54 सो देन 25 ठीक है और कितना बच रहा है 25 सर 25 अभी यार आंसर मत देना यूरेनियम का कितना 92 ट्राई करो बता क्या आएगा रुको ईयर मत बताओ ईयर मत बताओ सर 2 8 8 18 18 32 कितना हुआ 10 18 यहाँ पे 36 54 ईयर आंसर मत दो 32 क्या आएगा 32 86 हुआ और एंड 6 चलो अब ये थोरियम सूर्य आंसर मत देना सूर्य यान दोनों आई कैन गिव द आंसर ओनली दिस ऑल Just solve both the sums. Good. चलो रेक्सटीन और सानवी में से एक को बताना हाँ टू फिर टू एट एट एटीन एटीन थर्टी टू फोर चलो लास्ट वाला सानवी को बताना जिनका हो गया ये लोग ये ट्राई कर सकते हैं सानी जल्दी बताओ हाँ सर हो गया बोलो सर 2 8 8 18 18 चलो तो अभी सबसे पहले चीज यहाँ पे जो आउटर मोस्ट में है ठीक है इधर आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है 1 यहाँ पे कितना है 2 3 4 5 6 7 तो ये आउटर मोस्ट में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उसको आप क्या बोलते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ठीक है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है ये लिखना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in the outermost orbit. हम लोग फेसबुक में जाते हैं सबको दिख रहा है फेसबुक दिख रहा है तो ये देखो अभी आपको ये भरने को होएगा ना के एल एम एन एन वाला शेल ठीक है ट्राई करना ये देखो यहाँ पे के शेल का कितना दिया वैल्यू 2 एल का 8 दिया है एम का 18 एन का 32 ट्राई करना जरा इसमें सोडियम का करने सोडियम आर्गन एंड ब्रोमीन का ट्राई करो जरा सर टेबल बनाने का है क्या क्या नहीं नहीं बस ये तीन का ट्राई करो के एल एम एफ एन क्या रहेगा
सोडियम का क्या रहेगा? सर 2, 8, 1 टू एट एंड वन रहेगा. फिर आर्गन का सर 2, 8, 2 यार आंसर मत दो. 2, 8, 8 हाँ सूर्य आंसर मत देना. लास्ट का क्या रहेगा? क्या रहेगा क्या हो गया लास्ट का आंसर क्या रहेगा? सर 18 प्लस क्या बोल रहे हो? 2 प्लस क्या आएगा? 2 पहले plus... में क्या आएगा? क्या आएगा यहाँ पे? अरे बाप रे, ये 8 होता है फिर इसमें कितना आएगा थर्ड शेल में? देखो लिखा भी ऊपर क्या आएगा थर्ड में? 18 टोटल कितना हो गया? 26 हो गया. कितना बचा? 9 बचा. सिंपल है बस ये याद रखना और कुछ नहीं. चलो फिर इसके बाद ये देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल. ये देखो यहाँ पे सोडियम का कितना रहेगा? 1 रहेगा. नियॉन का कितना रहेगा वैलेंसी? जरा चेक करके बताओ नियॉन का कितना है. सर 8 ये आंसर मत देना. इसका 8 है. फिर इसका बताओ कार्बन का कितना है? 4 सूर्य आंसर मत देना. इसका कितना हीलियम का? हेलो सानवी. हाँ रेक्सिना बताओ क्या रहेगा हीलियम में आउटर मोस्ट में कितना है? 2 है ना. हाइड्रोजन में कितना सब लोग बताओ? सर 1. यूज द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टू डिटरमाइन द वैलेंसी ऑफ एच क्लोरीन ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन कार्बन ब्रोमीन आयोडीन और सोडियम. ठीक है हाइड्रोजन का चेक करो हमने अभी लिखा है. हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट में कितना है? 1. क्लोरीन का कितना आउटर मोस्ट में चेक करो. क्लोरीन सर 7 है ना आउटर मोस्ट में. 2, 8, 7 है आउटर मोस्ट में. 7 है. ये आंसर मत देना. ऑक्सीजन का क्या है आउटर मोस्ट? 6 ना आंसर मत दो है. सल्फर का कितना है सूर्य? यस सर. क्या सल्फर का आउटर मोस्ट? 2 प्लस 6. ये नाइट्रोजन का सूर्य बताओ. क्या रहेगा? यस यस. इसका भी 2, 6 नाइट्रोजन का 7 है तो 5. हाँ नेक्स्ट कार्बन का बताओ सब लोग. सर 4. 4 रहेगा. ब्रोमीन का कितना रहेगा? सर 8, 30 हो किया था ना तो लास्ट में कितना था? सर 9. फिर आयोडीन का कितना रहेगा आपके हिसाब से? आयोडीन का एलिमेंट कौन सा है? ओके तो ये याद रखो 35 प्लस यहाँ पे 18 तो ये 53 आएगा. 53 आयोडीन का. जरा कैलकुलेट करो क्या रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. तो यहाँ पे आएगा 2, 8, 18 कितना आएगा? सोडियम का
सर सोडियम वन वन ठीक है. अब नेक्स्ट, अब यहां पे हाइड्रोजन फिर दिया है HCl H2O हाइड्रो. अब ध्यान दो कैसे करते करते. ओके मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं. ओके ध्यान देना, H2 मतलब यहां पे दो हाइड्रोजन है, दोनों का वैलेंसी क्या रहेगा, 1:1 रहेगा. HCl कितना हाइड्रोजन है इसमें, वन हाइड्रोजन. कितना क्लोरीन है, वन क्लोरीन है. तो इन दोनों का वैलेंसी कितना है, वन है. H2O में चेक करो कितना हाइड्रोजन है, टू. ऑक्सीजन कितना है, वन. अब इसका वैलेंसी के लिए क्या करोगे पता है क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे. तो ये वन यहां पे आएगा, टू कहां पे आएगा. तो वैलेंसी कितना है, वैलेंसी है हाइड्रोजन का कितना रहेगा, वन रहेगा. ऑक्सीजन का कितना रहेगा, टू. चलो आगे टेंशन मत लो. H2S कितना हाइड्रोजन है रेक्सीना बताओ, टू. किसका सर, किसका हाइड्रोजन है सर, किसका, H2O. हेलो सर, जो नहीं दिख रहा क्या. हाँ, हाइड्रोजन एक है और अच्छा हाइड्रोजन एक है, वेरी गुड. एक हाइड्रोजन है क्या यहाँ पे सर, दो हाइड्रोजन है एंड दो सल्फर कितना है? एक है. एक वैलेंसी जोड़ने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर, क्रॉस मल्टीप्लाई. तो वैलेंसी हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना रहेगा, वन. सल्फर का कितना है, टू. चलो वैसे ही NH3 कितना नाइट्रोजन है, वन. हाइड्रोजन कितना है, थ्री. क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई. तो ये तीन यहां पे आएगा, वन यहां पे आएगा. चलो ये वैलेंसी हो गया. नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना है, थ्री. थ्री. हाइड्रोजन का कितना है, वन. CH4 कितना कार्बन है, वन. हाइड्रोजन कितना है, फोर. क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये फोर यहाँ पे, वन यहाँ पे. तो कार्बन का वैलेंसी कितना है, फोर. हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है, वन. HBr कितना हाइड्रोजन है यहाँ पे सर, वन. ब्रोमीन कितना है, वन. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वैलेंसी कितना है, one. वैसे ही NaH कितना सोडियम है, one. हाइड्रोजन कितना है, one. क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो वैलेंसी कितना है, one. क्लियर है यहाँ तक, yes sir. Yes sir. ये ट्राई करना वाला खुद से. Which one? I circled it.